ज्वालामुखी फटना आम बात है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते समय एक दूसरे को पुश करती हैं, तो इस फ्रिक्शन से काफी ज्यादा तापमान पैदा होता है। इस वजह से पृथ्वी के अंदर के मेंटल्स यानी पृथ्वी के क्रस्ट और कोर के बीच मौजूद पत्थर पिघल जाते हैं, जिसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा हल्का होता है, इस वजह से वो ऊपर की ओर आने लगता है। पृथ्वी की सतह से बाहर ये मैग्मा छेद या वेंट्स से बाहर आते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर जब मैग्मा ज्यादा थिक होता है, तब वो बाहर निकलते समय बहुत प्रेशर पैदा करता है, जिससे एक भयानक धमाका होता है, जिसे वोल्केनो इरप्शन कहा जाता है। ज्वालामुखी एक और तरीके से फटते हैं। जब अंडरग्राउंड वाटर मैग्मा के संपर्क में आता है, तब भारी मात्रा में भाप निकलता है। ये भाप इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि ज्वालामुखी फट जाता है और मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलने लगता है। पर क्या इंसान ज्वालामुखी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो मन चाहे तब उसे फटने दें और चाहे तो उसके लावा के बहने की दिशा को बदल सकें? जानेंगे आज के इस वीडियो में इसी जवाब को। मार्च 2016 में अलास्का में मौजूद पेवलोफ वोल्केनो फटा था। इस वोल्केनो इरप्शन से राख का धुआं आकाश में 11.27 किलोमीटर तक गया और ये 650 किलोमीटर के दायरे में फैल गया था। 28 जुलाई 2010 को यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि ये वोल्केनो फिर से फट सकता है, लेकिन हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि एक ज्वालामुखी कब फटेगा। हमने आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की है जो बता सके कि एक वोल्केनो कब फटेगा। एक ज्वालामुखी संकेत देगा कि वो फटने वाला है, पर अंत में वो नहीं फटता और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैसे कि कभी कभी ज्वालामुखी वाले क्षेत्र के साइज्मोमीटर में हलचल बढ़ जाती है, धरती की सतह ऊबड़ खाबड़ होने लगती है, चारों ओर गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, मानो ऐसा लगता है कि अब ये फटेगा, पर नहीं फटता। और जब उसे असली में फटना होता है, तब वो कोई साइन नहीं देता। पर क्या इंसान ज्वालामुखी को भविष्य में कंट्रोल कर सकेंगे, जिससे कि हम वोल्केनो इरप्शन की एनर्जी को कम कर सकें और उससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, या फिर हम वोल्केनो के फटने की टाइमिंग को बदल सके, जिससे कि वोल्केनो के आसपास की बस्तियों से लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। 1983 में जब इटली का माउंट एटना फटा था, तब उसने हर सेकंड 10 मीटर क्यूब लावा अपने अंदर से उगला था। मैग्मा सॉलिड पत्थर से हल्का होता है। जैसे जैसे मैग्मा की क्वांटिटी बढ़ती है, पृथ्वी के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। वहीं जब मैग्मा मोटा होता है, तब भी वो पृथ्वी के अंदर बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। 2012 में वोल्केनोलॉजिस्ट एरिक क्लेमेटी ने कहा था कि अगर हम मैग्मा चैम्बर तक ड्रिलिंग करके सारे प्रेशर को रिलीज कर दें, तो मैग्मा धरती से बाहर निकलते वक्त धमाका नहीं करेगा, या फिर वोल्केनो के धमाका करने की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे कि हमें थोड़ा समय और मिल जाएगा। लेकिन हैंस लेकनर कहते हैं कि मैग्मा चैम्बर कोई गुब्बारा नहीं है, जिसमें छेद कर हम उस गुब्बारे को फोड़ देंगे और ज्वालामुखी नहीं फटेगा। अगर आप ड्रिलिंग करके पाइप अंदर डालोगे, तो उस पाइप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को झेल सके। यही नहीं, अभी हमारे पास ऐसा कोई पाइप भी नहीं है जो पृथ्वी के अंदर का प्रेशर झेल सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी बहुत ही बड़े और शक्तिशाली होते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और न ही उनमें किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं। पर USGS की जेनेट बेव कहती हैं कि वो इंसान ही क्या जो किसी चीज को बदल ना सके। वो कहती हैं कि भले ही हम वोल्केनो को कंट्रोल ना कर सकें, पर हम वोल्केनो से निकलने वाले लावा के बहाव की दिशा को दूसरी तरफ कर सकते हैं, जिससे कि लावा बहकर गांव या बस्ती में न जाए। 1983 में जब इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी फटा था, तब उससे जो लावा निकल रहा था, उसका बहाव उस दिशा में था जहां से वो तीन शहरों में बहकर जा सकता था। तब 200 वर्कर्स ने जल्दी जल्दी 30 फीट ऊंची, 100 फीट चौड़ी और 1200 फीट लंबी एक दीवार का निर्माण किया। इससे उन्होंने लावा के बहाव की दिशा को बदलकर शहरों को बचा लिया। तो सीधी भाषा में कहें तो ज्वालामुखी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उससे होने वाले नुकसान से बच जरूर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इंसान ज्वालामुखी को कंट्रोल करने का कोई तरीका भविष्य में ईजाद कर सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।